दोस्तों, आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम न्यूज़ पोर्टल बना सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले की तरह आपको कोई प्रिंटिंग तो करके देनी नहीं है, तो आपकी जो कॉस्टिंग है बहुत कम आती है। और सब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी सिटी का एक न्यूज़पेपर, क्योंकि बहुत सी न्यूज़ होती है जो कि नॉर्मली कवर नहीं हो पाती है, फर्स्ट वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपनी न्यूज़ डालते हैं, कुछ फॉलोअर्स गेन करते हैं, देन देख दिए उसके बाद अपना एक न्यूज़ पोर्टल बनता है। तो आप भी उनमें से एक अगर अपने न्यूज़ पोर्टल बनाना चाहते हैं तो हम बात करने वाले हैं। न्यूज़ पोर्टल बनाने के काफ़ी अलग अलग तरह हो सकते हैं, काफ़ी अलग अलग स्क्रिप्ट होती हैं, काफ़ी CMS के थ्रू बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरिएंट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में। CMS से लगे हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आगे, काफ़ी अच्छी सेल है इसकी, आप देख सकते हैं 2389 ऑलमोस्ट 2000, इट्स अ गुड नंबर। तो इसका बेनिफिट क्या है, फर्स्ट हम लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं। तो हम अपन डेमो कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके ऐड लग जाते हैं, आपके बुकमार्क हो गए, आपका यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट हो गए, ब्रेकिंग न्यूज़ ऑप्शन हो गया, पॉपुलर पोस्ट हो गए, रिकमेंडेड पोस्ट, और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और वो ओवरऑल जो एक बेसिक न्यूज़ पोर्टल की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारे इसमें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसे बनाना कैसे, तो स्क्रिप्ट हमारे पास है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको एक चुटकी कुछ भी नहीं चाहिए, हमको बेसिक चाहिए होस्टिंग, और हमको डोमेन चाहिए अगर आप इसको सेटअप करें लाइव मोड पे। पर करंटली हम इसको सेटअप करें लोकल पे, तो हमें ये सब भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक सेटअप चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ पोर्टल नाम से मैंने इसको ही नाम दे दिया, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मेरा जो सर्वर है वहाँ मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। और काफ़ी 52 MB काफ़ी छोटा होने का एडवांटेज ये है कि आप कंपेयर टू आप वर्डप्रेस CMS से बात करें, सिक्योरिटी रिस्क होते हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। और मोस्टली टाइम पे जो भी न्यूज़ पोर्टल खोल रहे हैं एज़ पर माय एक्सपीरियंस, वो ज़्यादातर अनटेक्निकल होते हैं, मतलब उनका वो टेक्निकल फेमिलियर नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारे आ जाएगा वेरियंट। तो यहाँ पर हमको डालना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पर जाने के बाद हमको लास्ट में डाटाबेस का ऑप्शन आएगा। तो फटा जल्दी से हम डाटाबेस कर लेते हैं। ओके, ऑलरेडी मेरे पास था तो मैं ओके मैंने तो मेरे पास ऑलरेडी एक डाटाबेस था, तो मैं उसी के अंदर टेबल्स बेसिकली मैंने प्रिविलेज अकाउंट क्रिएट करा, मैंने टेबल क्रिएट कर दी गलती से, कोई इशू नहीं है, मुझे सिर्फ बैक में जाना है, प्रिविलेज क्रिएट करनी है। तो जल्दी से मैं एक यूज़र क्रिएट कर देता हूँ, अगर इसमें नहीं है तो अगर हुआ तो फिर मेरे को वो भी दिक्कत नहीं है। आई थिंक अवेलेबल होगा, ओके ऑलरेडी एक दिन। तो मेरे पास डाटाबेस भी है और ये भी है, इसमें जैसे हम जाके देखते हैं, तो मैंने बस एक टेबल क्रिएट कर दी थी, तो कोई नेसेसरी नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे डाटाबेस का नेम डालना है। तो जो भी है आपको अपना एक डाटाबेस क्रिएट करना है, इट्स हार्डली टेक 30 सेकेंड टू 1 मिनट, तो मतलब थोड़ा टाइम लगता है इसका डाटाबेस को क्रिएट होने में। हाँ, तो मैं इसके एडवांटेज की बात कर रहा था, इसका एडवांटेज सबसे बढ़िया ये है कि आपको सिक्योरिटी रिस्क से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि वर्डप्रेस में क्या होता है काफ़ी सारे अटैक होते रहते हैं, इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो कोलकाता, ये रहा हमारा कोलकाता, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम, तो यूज़र नेम हम एडमिन दे देते हैं, और यहाँ पे मैं nick@gmail.com दे देता हूँ, आप इस पर राइट ईमेल एड्रेस दीजिए। और यहाँ पे मैं पास, क्योंकि इसे हम अभी डेमो मोड के लिए सेटअप कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसमें भी डेमो सेटअप कर रहा हूँ, और मैं साइट को भी खोल लेता हूँ, क्योंकि कुछ कंटेंट के लिए मैं इस साइट को एज ए डेमो में सेटअप करने की कोशिश करूँगा, नॉट कम्प्लीटली, बस बेसिक है ओवरव्यू, तो आपको इसके सारे फीचर्स समझ में आ जाए कैसे क्या किस चीज़ को यूज़ करना है। तो ये हमारी साइट सेटअप हो चुकी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी जल्दी सेटअप हो गई। अब हमें यहाँ पर एडमिन पर क्लिक करना है, जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला था उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है। तो कुछ इस तरह का आपको जो बैकएंड इंटरफेस मिलेगा, काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड आपका इंटरफेस है। यहाँ पे आपके पास नेविगेशन ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप नेविगेशन में अगर आपको कस्टम URL डालनी है तो आप यहाँ से डालेंगे। कस्टम URL मींस लाइक आप कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको खुद डायरेक्ट यहाँ पे नेविगेशन में ऐड कर सकते हैं। पर अगर सपोज आपको कोई गूगल पे या किसी अदर लिंक पे आपको डायरेक्ट करना है, या पर्टिकुलर पोस्ट को यहाँ पे ऐड करना है, देन आपको कस्टम लिंक यूज़ करना पड़ेगा। मेन्यू की लिमिट यहाँ पे जो सेट है वो 9 है, तो जो आइटम है यहाँ तक जो आएंगे वो 9 आएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे थीम, बाय डिफ़ॉल्ट 2 थीम आती हैं, लाइट और डार्क। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड पेजेस आ गए, अगर आप कोई और पेज ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए एक पेज ऐड कर सकते हैं, अगर आपको एक न्यूज़ पोर्टल या न्यूज़ कोई भी चलाना
इट्स नॉट अ चीप, तो आपको एक रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आप उसके लिए आप उस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, देन आपके पास ऐड पोस्ट है। पर हम सबसे पहले चलते हैं कैटेगरी ऑप्शन में, और कैटेगरी में जाके हम यहाँ पे एक कैटेगरी बना देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या, कौन सी कैटेगरी बनाते हैं, हम सिंपल से यहाँ पे कोई कैटेगरी का नाम हमें क्लिक कर जाए, चलिए फैशन कैटेगरी को बना देते हैं। यहाँ पे हमने फैशन कैटेगरी डाला, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन जो भी आपको एसईओ के लिए डालना है, फैशन इन पर्टिकुलर बॉलीवुड फैशन, जो भी आपको कीवर्ड डालना है वो आप डाल सकते हैं। क्या इसको मेन्यू में शो करना है, हाँ। क्या इसको होम पेज पे शो करना है, हाँ। जब भी इस कैटेगरी को कोई ओपन करेगा तो किस तरह से ये दिखेगा, जैसे यहाँ पे हमारे दो दो के कॉलम आ रहे हैं, क्या इस तरह से दिखना है, तो हम चाहते हैं इसी तरह से दिखे, तो मैं ये वाला स्टाइल मुझे भी सही लगता है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कलर यहाँ पे जो किस कलर में दिखना है तो उसको हम ब्लैक कलर से ऐड कर देते हैं, और ऐड कैटेगरी कर देते हैं। कैटेगरीज पे जाते हैं, ऐड हो गया, हाँ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ऐड हो गया, तो अब हम जल्दी से विजिट साइट करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं फैशन कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई। हमने इसके अंदर कोई सब कैटेगरी ऐड नहीं करी, अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। अब हम ऐड पोस्ट में जाते हैं, तो हमारे पास अलग अलग पोस्ट के ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास हमें क्विज करना है, हमें वीडियो अपलोड करना है, ऑडियो अपलोड करना है, तो बेसिकली हमें एक आर्टिकल अपलोड करना है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल को खोल लेते हैं, नाम कॉपी किया, टाइटल बेसिकली, यहाँ पे अगर आप पोस्ट डालना है तो आप डाल सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर जब भी आप कोई आपकी यू आर को शेयर करेगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को आप नहीं भूलिएगा, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। यहाँ पे आपका जो भी आपका SEO का वो, अब यहाँ पे फीचर है जो सबसे पहले, जब हम पहले होम पेज पे चलते हैं, जो ये दिख रहा है ये फीचर्ड कैटेगरी है, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ कैटेगरी आ गई, तो यहाँ पे आपको अपने स्लाइडर लगा रखा है, यहाँ पे आपको दिखाना है, तो आप इन फीचर को ऐड कर सकते हैं। तो मैं इन दो पे ऐड कर रहा हूँ, रिकमेंडेड वगैरह पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप हर आर्टिकल को ऐड नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप हर आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होता ना। जो भी आपका डिस्क्रिप्शन आपने वो डाला, मैं डेस्कटॉप पे गया, जो भी इमेज थी मैंने उसे ट्रैक कर दिया। यहाँ पे आप JPG, PNG, GIF तीनों को, चारों को यूज़ कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे भी आपके पास एडिशनल ऑप्शन है, आप इमेज अपलोड करना है, फाइल अपलोड करना है, देन यू कैन फाइल अपलोड फाइल ऑल्सो। फैशन कैटेगरी को सिलेक्ट किया, सबमिट कर दिया, तो हमारा आर्टिकल पब्लिश हो गया। फिर से चेक करते हैं, ये देखिए हमारे यहाँ पे आर्टिकल आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इमेज नहीं आई, क्योंकि हमने मेन इमेज सेलेक्ट करना भूल गए थे, जो फीचर्ड इमेज बोलते हैं, और हमें इसे फिर से सबमिट कर दिया। अब वो हमें दोबारा करना पड़ेगा, जाके वापस एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नए आर्टिकल पे आ गए, तो हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे पोस्ट पे जाना है, हमारा आर्टिकल रेडी हो गया। तो इस तरह से बेसिकली आप एक आर्टिकल को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है पेज के बारे में, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहीं पे आपको क्लिक करना होगा पोस्ट पे, तभी आपको जितने भी पोस्ट हैं वो आपको दिख जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कैटेगरी के बाद विडगेट्स का ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास पॉपुलर पोस्ट, फॉलो, इनको कैसे वोटिंग पोल, ये आपको राइट हैंड साइड पर जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वोटिंग पोल वगैरह, तो हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं वोटिंग पोल। तो पोस्ट जस्ट उसके नीचे ही ऑप्शन है, सपोज आपको कुछ पूछना है कि हु गोइंग टू विन, तो हमने यहाँ पर डाल दिया BJP। आप और भी ऑप्शन आप दे सकते हैं आपको देना हो तो। अब हमने इसे रिलोड किया पेज को, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया, हमने सबमिट किया, तो हमने हमारा IP ऑलरेडी है इसमें लिस्ट में, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं बेसिकली, क्योंकि मैंने इसे पहले क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पे बेसिकली पोल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो सेम अभी जैसे इसमें फॉलोअर्स का ऑप्शन था, वो कैसे है उसमें बात करेंगे। यहाँ पे आके गैलरी, आपको कोई भी इमेज अपलोड करनी है तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो ने पोस्ट देखा था। कॉन्टैक्ट मैसेज अगर पर्टिकुलर कोई यूज़र है जिससे आपको कॉन्टैक्ट करना है, देन वो आपके लिए यूज़ होता है, क्योंकि इस साइड में ऑप्शन है कि आप यूज़र भी अपना अकाउंट बना सकता है, और उसको यूज़र को इन्हें एक्टिव रखने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। जो कोई भी कमेंट होंगे वो कमेंट आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, कमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देन आता है न्यूज़लेटर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी साइट का। अगर आपने गलती से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रखा है अपने फ़ोन में न्यूज़ का, तो आपने देखो कितनी नोटिफिकेशन आती है, सेम जैसे ही न्यूज़ आती है तो आप उसको न्यूज़ को लोग रीड करें, इसलिए आप उनको न्यूज़लेटर सेंड करते हो। बेसिकली यहाँ पे पोस्ट नोटिफिकेशन होना चाहिए था, पर वो ज़्यादा है नहीं, पर आप तो यहाँ पे जो भी आपने जैसे जो भी आपके यूज़र, आपने यहाँ पे मेन पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया,
जो भी आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखा, थोड़ा सा कंटेंट लिखा और उसको हाइपर लिंकिंग करी और सेंड कर दिया, क्योंकि जब वो क्लिक करे तो आके मैं साइट पे पढ़े, वहाँ पे पढ़ लेगा तो फ़ायदा क्या है, मैं न्यूज़ के ईमेल पर थोड़ी भेजनी है। तो यहाँ पे वो आपका न्यूज़ लेटर उसके लिए आपका यूज़फुल हो गया। देन आपका रिवॉर्डिंग सिस्टम, जब भी अब कोई आपकी साइट पर पढ़े उसको क्यों पढ़ेगा, तो आपकी साइट पर आए तो आपने कह दिया 1000 व्यू पे हम 0.25 पैसा इस अराउंड USD to INR 19 रुपये आप उसको दोगे जब वो 1000 पेज को खुलता है। तो इस फीचर को आप अनेबल करना है तो जब भी यूज़र अकाउंट बनाएगा और उसको लॉगिन करने के बाद पड़ेगा तो आप इस फीचर को अनेबल करना चाहो तो आप कर सकते हो, इट्स अप टू योर कॉल। देन इसके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है एड स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे जैसे आप साइट पर देख रहे हैं सबसे एड स्पेस आप अपने अलग अलग जगहों पर लगा सकते हैं, पूरी साइट पर हर जगह आपके पास एड स्पेस है, लगाना है कहाँ पर। तो पर्सनली मैं इस वाले एरिया को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सेल करना। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे एक एड स्पेस ले लिया, जो भी आपके पास हाइपर लिंक है कि इस पर कोई क्लिक करे रिडायरेक्ट हो जाए, जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और आपने सेव चेंज कर दिया, पेज को रीलोड किया इस टाइम, तो जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा, अभी तो हमने कुछ लगाया नहीं तो कहीं रिडायरेक्ट होगा ही नहीं, तो आप इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगह पर एड स्पेस ऐड कर सकते हैं। स्पेस की इसमें कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे स्पेसेस में अवेलेबल है, आपको प्रोफाइल के ऑप्शन में भी लगाना है तब भी आप लगा सकते हो, अलग अलग ऑप्शन अलग अलग साइज़ के अवेलेबल है। देन इसमें आता है यूज़र्स। ओके, जब भी आप कोई साइट क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑथर्स होंगे, ठीक है, तो उन ऑथर्स को कितनी परमिशन क्या देनी है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे यूज़र ऐड करने का ऑप्शन है। उन यूज़र को परमिशन क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं या आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ऑथर है वो सिर्फ पोस्ट ऐड कर सकते हैं, आप चाहते हो कि वो कैटेगरी भी ऐड कर पाए तो आप उसे ऑप्शन दे सकते हो। इस तरह के यहाँ पे सारे आपके पास ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप यूज़र्स को ऐड कर सकते हो। देन सीधी सी बात है, आप न्यूज़ साइट चला रहे हो तो हर ऐड के लिए आप उसे प्रमोट तो नहीं करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका SEO, क्योंकि आपका SEO करना है तो आपको गूगल एनालिटिक्स कोड डालना है, आपको कौन जॉब को अनेबल करना है जिससे अपडेट होती रहे साइट मैप वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फ्रिक्वेंटली साइट मैप को ये सबमिट करता रहेगा उस पे गूगल पे, जिससे जल्दी जल्दी आपकी साइट लिस्ट होती रहे। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको SEO में मिल जाते हैं। देन ऑफकोर्स आपके पास स्टोरेज का ऑप्शन है, तो बार बार फोटोज़ अपलोड होंगे, वीडियोज़ अपलोड होंगे, तो अभी तो हम लोकल स्टोरेज यूज़ करें, अगर आप चाहें अमेज़न वेब सर्विस स्टोरेज यूज़ करना तो वो भी इसमें एक आपको ऑप्शन मिलता है। कैचिंग सिस्टम, जिसके थ्रू बेसिकली आप क्या होगा, जो भी आपकी साइट है वो कैच होगी 30 मिनट में, जैसे आपके जो भी यूज़र का एक्सपीरियंस है, स्पीड का एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा रहेगा। देन आ जाते प्रेफरेंसेस के बाद, जो भी आपके स्टाइल है होम पेज को, आपको कैसे कौन सा स्टाइल में रखना है, फीचर्ड ऑप्शन देना है नहीं देना है, या फिर आपको मल्टी लैंग्वेज सिस्टम में सपोज इसमें आप चाहो तो हिंदी सपोर्ट भी करता है, आपको अगर कोई और लैंग्वेज डालनी तो उसको भी सपोर्ट करता है, वो ऑप्शन आ गए। यहाँ पे आपका PWA ऐप्स होते हैं उसका भी ऑप्शन मिला है, तो बेसिकली इसके लिए आपको एक बार डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होता है जैसे ही कोई इसको अपने फ़ोन में खोलेगा वो चाहे तो उसका एक ऐप वेब व्यू वर्जन का ऐप इंस्टॉल कर सकता है अपने एंड्रॉइड में, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर इसे आप अनेबल करते हैं तो। पर मेरे केस में ये वर्क नहीं किया, तो मैं इसको पता नहीं क्यों नहीं वर्क किया, पर वर्क नहीं किया। तो यहाँ पे ऑटो पोस्ट डिटेक्शन हो गया, यहाँ पे कौन कौन से एक्सटेंशन अलाउ हैं, आप जो जो एक्सटेंशन आपको अलाउ करने हैं आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। वो इसलिए सपोज़ आपने किसी ऑथर को अपने ऑप्शन दिया, उसके पास अपलोड करने का ऑप्शन है, वो ऐसी कोई फाइल अपलोड कर देता है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट हैक हो जाए, तो फिर दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड वन, तो आप यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ईमेल की सेटिंग है, तो हमने बोला कि हम यहाँ से जो भी है हमारा न्यूज़ लेटर सेंड करेंगे, पर वो जाएगा किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू, तो उसके लिए हमें यहाँ पे SMTP कॉन्फ़िगर करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको SMTP कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास सोशल लॉगिन के ऑप्शन आ जाते हैं। सोशल लॉगिन बेसिकली स्टैंड फॉर जैसे फेसबुक और गूगल से आपको लॉगिन करना है, तो फेसबुक के लिए आपको ऐप बनाना पड़ता है, गूगल की आपको का भी आपको बेसिक क्लाइंट आईडी वगैरह देने पड़ते हैं, तो वो जैसे ही आप यहाँ पे दे देंगे तो उसके थ्रू आप कोई भी जब आएगा तो उसे अकाउंट के लिए साइनअप नहीं करना पड़ेगा, वो उसके थ्रू ही लॉगिन कर सकता है। ये ऑप्शंस हो गए। तो यहाँ पे आ गए बेसिक जनरल सेटिंग, जैसे हमने बोला था कि हमको जो सोशल मीडिया लिंक का ऑप्शन था यहाँ पे जो फॉलोअर्स में, तो यहाँ पे कुछ डालना है तो उसके लिए ये ऑप्शन वर्क करता है। सपोज मेरे पे कोई पेज हो, देखिए आ गया फेसबुक ऑप्शन। तो इस तरह से जो भी प्री डिफाइंड सोशल मीडिया मेन सोशल मीडियाज हैं वो आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आपके पास कमिंग सून का ऑप्शन है, कभी डाउन करनी है वेबसाइट को तो आप इसे यहाँ से डाउन वगैरह कर सकते हैं। वही अगर कोई फेसबुक कमेंट करना चाहता है तो फेसबुक जो प्लगइन मैंने किया एक और उसके थ्रू वो कमेंट कर सकता है। और नीचे यहाँ पे हमारे पास कमेंटिंग का ऑप्शन, जैसे पे ऑप्शन है यहाँ पे फेसबुक के थ्रू कमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन है इन केस आपको
कोई स्पेसिफिक लाइक पुश नोटिफिकेशन का कोड ऐड करना है, इसमें नहीं है, पर आपको ऐड करना है तो आप इसे कस्टम कोड के थ्रू ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। मेन एडवांटेज में कंपेयर टू सीएमएस आता है, कुछ फीचर्स सीएमएस के थ्रू आप इसे अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि प्लगइन सपोर्ट नहीं है, पर एक फिक्स न्यूज़ पोर्टल की जितनी रिक्वायरमेंट वो सारी इससे फुलफिल होती है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको न्यूज़ पोर्टल का सेटअप समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।